अस्सलाम वालेकुम, मैं शॉप शिपो खुश आमदी बात करेंगे रात के एपिसोड में 30 के प्रोमो के बारे में। आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा सलार काफ़ी उसे बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता ईमान को। वहीं पर दूसरी तरफ उसका शोर उसे करके कहता है कि ये सब कुछ सही नहीं है, और वहीं सब बहनें और बाप काफ़ी खुश होता है। लेकिन वहीं पर जाया जो है वो उसका दिल जैसे जल ही रहा होता है। वहीं ईमान सब कहती है कि तुम जो है तुमसे कॉन्टैक्ट भी करे, तुम उससे कोई बात ना करना ये वो। और वहीं उसकी दादी काफ़ी परेशान होती है क्योंकि वो घर नहीं आता अभी तक। वहीं उसकी माँ आती है और आके कहती है जमील और सवेरा के बारे में कि एक बेटी को नहीं बल्कि दोनों को ही तलाक होगी। वहीं पे ईमान भी उसे खड़ी खड़ी सुनाते हैं। जमील के पास आता है, उसके गिरेबान पकड़ता है तो कहते हैं कि सारी बहनें ऐसे हैं, उसे काफी गुस्सा आ जाता है। वहीं पे सलार उस पर काफी गुस्सा होता है, उस पर उससे नाराज भी होता है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे जैद जो है वो समंदर के किनारे जाके बैठा होता है। वहीं पे जो है अब इमरान एक नई शाल अपने बाप के साथ चल रहा होता है मिलकर के, दोस्त का दुश्मन हमारा दोस्त ही होगा। वहीं पुलिस वहां पहुंच जाती है और जिस तरफ सलार उसे कहता है कि अगर वहां पे वो नहीं मिला तो तुम्हें लगा कि मैंने उसको मार दिया। अब जैद जो है वो ये सब कुछ कुछ करता है, क्या वाकई में जैद ने खुदकुशी कर लिया या फिर कुछ और? और क्या ईमान को इतना ही यकीन था सलार पर? क्या लगता है आपको? अभी अपनी कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा।